नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे दिन की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 महीने के बाद यूपी में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद शुरू करने जा रहे हैं। गुरुवार को मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य, विकास, जल निगम, ऊर्जा, सिंचाई आदि की परियोजनाएं शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी काशी की तरह यूपी के किसी न किसी जिले में हर महीने दौरा कर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसे 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी के लिए यूपी की राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि सियासी एजेंडे के तौर पर भी काफी अहमियत है। यूपी की सत्ता को बरकरार रखने के लिए पीएम मोदी खुद ही मोर्चा संभाले हुए हैं और सौगातों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना रखना चाहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पीएम पहली बार काशी के दौरे पर पहुंचेंगे और करीब 5 घंटे यहां रुकेंगे। इन 5 घंटों में पीएम काशी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे, जिनमें 736.38 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, जबकि 417.68 करोड़ की लागत के करीब 84 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन सौगातों में वो 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। तो आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य स्वागत किया गया उनका। पीएम मोदी काशी से यूपी के चुनाव का आगाज करने जा रहे हैं। सौगात के तौर पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होगा, जिसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। तो दूसरी लहर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बिहार विधानसभा का सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा, इसकी तैयारियां चल रही हैं। वहीं बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। पत्र में पिछले सत्र में हुई घटनाओं पर की गई कार्रवाई से अवगत कराने की मांग की गई है। साथ ही सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करने की बात कही गई है, ताकि लोगों के अंदर बैठा डर खत्म हो सके। तेजस्वी यादव ने पत्र में कहा है कि 23 मार्च की घटना से विधायक इतने भयभीत हैं कि वो आने वाले सत्र में सदन आने से डर रहे हैं। सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक कर मुझसे कहा है कि आप विधानसभा अध्यक्ष से घटना में शामिल पदाधिकारियों और कर्मियों पर समुचित कार्रवाई करते हुए सुरक्षा की गारंटी दिलवाएं। तो तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और कहा है कि जो विधायक उनके पास आ रहे हैं और वो लगातार डर रहे हैं। तो बजट सत्र की घटना पर क्या कार्रवाई हुई है, इसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और हालांकि इसको लेकर तमाम राजनीति भी हुई, क्योंकि उस वक्त कोरोना पीरियड चल रहा था और हम पहली लहर से उभर ही रहे थे। पच्चीस जुलाई तक पटना के सभी 75 वार्डों को 100% वैक्सीनेट करने की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए 15 जुलाई से मिशन मोड पर काम किया जाएगा। 10 दिन में बड़ा टारगेट है और इसे हर साल में पूरा करना है। कोरोना की लड़ाई में शहरी क्षेत्र को तैयार करने के लिए ही मिशन मोड पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पटना के शहरी वार्डों में रहने वालों को 100% वैक्सीनेट करने को लेकर 10 दिन का टारगेट दिया गया और इस समय में हर हाल में लक्ष्य पूरा करना है। इस मिशन में जो लोग छूट गए हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। एक टीम एक वार्ड में वैक्सीनेशन के काम में लगेगी, जिससे लोगों को आसानी से टीका लग जाएगा। मिशन मोड का शुभारंभ भी 15 जुलाई से किया जा रहा है, जो 26 जुलाई तक 100% वैक्सीनेशन के बाद बंद होगा। इसके लिए सभी अचल के कार्यपालक पदाधिकारी और वार्ड परिषद एक्टिव मोड में आ गए हैं। तो 25 जुलाई से 75 जो वार्ड हैं उन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेशन मोड में लाने की कोशिश की जा रही है और शहर में कोरोना की जो बड़ी लड़ाई है उससे निपटने की पुरजोर तैयारियां की जा रही हैं, जो कि बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक है।
16 से 19 जुलाई तक पटना में यूपीएससी की बड़ी परीक्षा होगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये पहला बड़ा एग्जाम है जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसमें भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा और भारतीय अभियांत्रिकी सेवा की परीक्षाएं होंगी। एग्जाम को नकल और कोरोना मुक्त बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। इस पर जिला प्रशासन की तैयारियां चल रही है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होने वाली इस परीक्षा को लेकर पूरी रणनीति बनाई जा रही है। तो कोरोना काल में यूपीएससी की बड़ी परीक्षा की तैयारियां हो रही हैं, जिसमें तीन परीक्षाएं मुख्य हैं। कोरोना मुक्त रखना इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। एक तो नकल विहीन परीक्षाएं हो, साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत हो, तो ये जो दो मुद्दे हैं वो बेहद अहम हैं, जिसके तहत सारी तैयारियां की जा रही हैं। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में बुधवार को रमेश बैश ने शपथ ली है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन ने उन्हें राजभवन के बिरसा मंडप में दिन के 1:53 पर राजपाल पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद राज्यपाल श्री बैस ने कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वो इससे पहले त्रिपुरा में राज्यपाल थे, जहां भी रहे हैं वहां हमेशा राज्य के विकास के लिए काम किया है। झारखंड में भी विकास कार्य के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोगी के रूप में वो काम करेंगे। राज्यपाल ने कहा है कि वो अपने काम पर ध्यान देते हैं, उन्हें विश्वास है कि उनके काम करने के ढंग से झारखंड की जनता खुश रहेगी। वो लगातार राजनीति में रहे हैं, पार्टी के लिए इलेक्शन के लिए जो होना चाहिए था किया, उसके बाद हमेशा प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। तो राज्यपाल रमेश बैश ने शपथ ली है राज्यपाल की, और उसके बाद उन्होंने अपने बयानों में कहा है कि वो लगातार राज्य के लिए मेहनत करेंगे। इससे पहले भी वो मेहनत कर रहे थे और पार्टी के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। राज्य की जो सरकार है उसके सहयोगी के तौर पर काम करेंगे, ताकि वहां की जनता जो है उनके कामों से खुश हो, जनता को हर सुविधा का लाभ मिल सके। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के करम टोली में केंद्रीय धूमकुड़िया भवन के पूजा भवन और शिलपट्टा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम सोरेन ने कहा है कि धूमकुड़िया भवन का शिलान्यास हुआ है, ये सरकार का अनूठा और ऐतिहासिक कदम है। सीएम सोरेन ने कहा है कि धूमकुड़िया शब्द में बहुत कुछ रचा और बसा हुआ है। आदिवासी समुदाय में धूमकुड़िया में ही बैठकर सभी संस्कार तय किए जाते हैं और उन पर चर्चा और विचार विमर्श किए जाते हैं। धूमकुड़िया की परंपरा और संस्कृति को असक्षुण रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। वो आगे कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ यहाँ तक पहुंचाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को हम सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कारों के साथ आगे की राह पर ले चले। आज इस विकास के दौर में भी आदिवासी समुदाय को जितनी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच पाया है। तो आदिवासी समुदाय के लिए हेमंत सोरेन का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार देश विकसित हो रहा है, झारखंड में भी लगातार विकास की बयार बह रही है, लेकिन अभी भी आदिवासी जो समुदाय है वो वहां तक नहीं पहुंच पाया है जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए था। तो सरकार का अनूठा और ऐतिहासिक कदम है धूमकुड़िया। सिर्फ एक महज शब्द नहीं है आदिवासी समाज के लिए, ये उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तमाम जो संस्कार होते हैं वो उसी के तहत किए जाते हैं। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल आज हो रहा है। सरकार ने 6 महीने के लिए संसाधनों को एक्सटेंशन दिया था। अब इस अवधि के पूरा हो जाने पर पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी जन प्रतिनिधि कार्यकारी व्यवस्था के तहत गांव की सरकार के संचालन के लिए अधिकृत नहीं रहेंगे। हालांकि सरकार ने फिर से 6 महीने का अवधि विस्तार देने की तैयारी की है, लेकिन आज तक इससे संबंधित संचिका पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका। नियम के मुताबिक इस बार अध्यादेश लाकर संसाधनों को अवधि विस्तार देने की जरूरत है, इसलिए इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री का भी अनुमोदन ले लिया गया है। इसके बाद प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल से अनुमति मिलते ही पंचायती राज संस्थानों को अवधि विस्तार दे दिया जाएगा, फिर 6 महीने के अंतर कभी भी विधानसभा से इसे पारित करा लिया जाएगा। अभी राज्यपाल के पास प्रस्ताव है, वहां से अनुमति मिलने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि पंचायती राज विभाग से एक्सटेंशन देना संबंधी अधिसूचना जारी हो सके।
भाजपा के दिवंगत नेता लक्ष्मण गिलुआ के देहांत के बाद चक्रधरपुर और पश्चिमी सिंहभूम में बीजेपी के पास कद्दावर नेता की घोर किल्लत महसूस होने लगी है। ऐसे में बीजेपी वैसे चेहरों को पार्टी में शामिल करने की रणनीति बना रही है जो बीजेपी को फिर से शिखर तक ले जाने में सक्षम हो। इनमें एक नाम पूर्व विधायक शशि भूषण सामत का है। 2014 में चक्रधरपुर विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक चुने जाने वाले शशि भूषण को बीजेपी में लाने की लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना औपचारिकता मात्र शेष रह गया है। बता दें कि दिवंगत लक्ष्मण गिलुआ चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके जाने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में गहरी खाई हो गई है। भाजपा के पास कोई कद्दावर नेता नहीं बचा रह गया। हालांकि कई भाजपाई लक्ष्मण गिलुआ की जगह लेने को तैयार रहे हैं। इन नेताओं की पार्टी में वफादारी भी कबूल की जाती है। इनमें रतनलाल बोदरा, ललित मोहन गिलुआ, विजय मेलगांडी, श्याम सुंदर नाग और पूर्व विधायक चुंगनू उराव का नाम शामिल है। तो बीजेपी झारखंड में कद्दावर नेताओं की वापसी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लक्ष्मण गिलुआ के खिलाफ चुनाव लड़ा गया था और उनके निधन के बाद से ही लगातार जगह खाली होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी को कोई कद्दावर नेता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ चेहरे सामने हैं, कुछ नाम सामने जरूर आए हैं जिसको लेकर चर्चाएं गर्म है। देश में कोरोना के केस में फिर उछाल देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 41,755 नए मरीजों की पहचान हुई है और 39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 577 संक्रमितों ने कोरोना ने से दम तोड़ दिया। 7 दिन बाद नई मरीजों की संख्या ठीक होने वाले से ज्यादा रही है। इससे पहले 7 जुलाई को 45,000 मरीजों की पहचान हुई थी और 44,000 से ज्यादा ठीक हो गए थे। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार को 1,875 एक्टिव केस बढ़े हैं। देश में सबसे ज्यादा 15,000 से ज्यादा नए मरीज केरल में मिले। यहाँ यह आंकड़ा 35 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले यहाँ 9 जून को 16,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। यहाँ इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 2,535 की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म होते होते भी आंकड़े ज्यादा देती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से ज्यादा संक्रमित केस सामने आए हैं। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं देश में ये कहा जा सकता है कि मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हम लगातार लोगों से कोशिश कर रहे हैं ये कहने की सरकार द्वारा कि यहां पर प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए, नियम का पालन किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। और टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं, इंटरनेट पर सानिया मिर्जा छाई हुई हैं। दरअसल ये खबर मिली थी कि भारतीय दिग्गज टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इंटरनेट पर छा गई हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर ओलंपिक किट में डांस का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को 6 घंटे के अंदर 6,00,000 लोगों ने देखा है और साथ ही 80,000 से ज्यादा लाइक्स भी मिले हैं। सानिया ने वीडियो में अमेरिकन रैपर डोजा कैट के किस मी मोर गाने कर डांस करता हुआ एक वीडियो डाल दिया था। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, मेरे नाम में ए शब्द का मेरे जीवन में काफी महत्व है। वीडियो के जरिए सानिया ने ए का मतलब भी समझाया। उन्होंने लिखा, ए का मतलब होता है एग्रेशन, एम्बिशन, अचीव और अफेक्शन। सानिया ने अब तक करियर में 6 ग्रैंड सेमी जीते हैं। अब वो टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले उनका ये वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है जिसमें 6 घंटे में 6,00,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। और ये वीडियो आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। हरिद्वार के रोशनाबाद में एसएसपी हरिद्वार सेंथिल अवुदई कृष्णराज एस की तरफ से कांवड़ मेला साल 2021 स्थगित किए जाने के संबंध में जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हरिद्वार पुलिस की बॉर्डर पर आने वाले कांवड़ियों को रोकने की रणनीति के संबंध में भी बैठक आयोजित की गई और शासन की तरफ से आदेशों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम राज्य जो हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर मनाही है, वहीं यूपी में थोड़ी सी छूट दे दी गई है, लेकिन वो भी कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ। तो कांवड़ मेले को लेकर यहां पर भी एक बैठक आयोजन किया गया हरिद्वार में और बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
कल हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कांवड़ मेला का प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया है। उस संदर्भ में जो है हमारा आदरणीय डीजी महोदय द्वारा जो है कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा है, उसमें फोर्स के बारे में और अन्य व्यवस्था जो हमें करना चाहिए उस वजह से जो है ये प्रतिबंध को जो है सफल तरीके से हम निश्चित कर सकें उसके बारे में एक वीसी है। उसी संबंध में जो है आज हमने सभी एसपी हमारा सर्कल ऑफिसर्स और स्टेशन ऑफिसर के साथ हम एक मीटिंग आयोजित की, उसी पॉइंटों में हमने चर्चा करी और उसमें किस प्रकार का एक्शन हमें लेना है ताकि लोगों को बीच में पहुंच के संदेश को हम पहुंचा सकते हैं कि अभी कोरोना जो विश्व महामारी का दौरान जो है कांवड़ मेला में आना उचित नहीं है, ये प्रतिबंध तय करके उसके लिए प्रचार प्रचार कैसा करना उसी बारे में हमने योजना बनाई और फोर्स कहाँ कहाँ कैसा कैसा तैनात करना उनको ड्यूटी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के पाए जाने और कोविड की तीसरी लहर की आशंका और देश विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार विमर्श किया गया है। आपको बता दें कि दूसरी लहर के बाद डेल्टा प्लस वेरियंट जो है उसके मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर हर राज्य चिंता व्यक्त कर रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और सीएम ने कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से स्थगित करने की बात कही है ताकि संक्रमण को रोका जा सके, क्योंकि अगर कांवड़ यात्रा का आयोजन होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे और फिर स्थिति पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कुंभ स्नान के दौरान भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। इसको लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को खूब बुरा भला कहा था। उत्तराखंड में कांग्रेस से जसपुर विधायक आदेश चौहान जसपुर विधानसभा क्षेत्र में रेस्टोरेंट में खाना खा रहे युवक युवती के साथ पुलिस की बदतमीजी की घटना की आधी अधूरी जानकारी लेकर कुंडा थाने पहुंचे और पुलिस को खरी खोटी सुना दी। वहीं जब पुलिस ने आरोपी और पीड़ित के बारे में पूछा तो विधायक भी कुछ नहीं बता पाए। वहीं जब विधायक की बात आला अधिकारियों से हुई तो पता चला कि मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तो आधी अधूरी जानकारी लेकर थाने पहुंचकर विधायक और पुलिस को खरी खोटी सुनाने लगे, लेकिन जब उनसे इस पूरे मामले के बारे में पूछा गया तो विधायक जी चुप हो गए, विधायक जी मौन हो गए, क्योंकि उन्हें पूरा मामला पता ही नहीं था। हालांकि जब आला अधिकारियों से बात की गई तो आला अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे पूरी कार्रवाई की जा रही है। मुझे कहीं विश्वास सूत्रों से एक जानकारी मिली कि 9 या 10 तारीख की घटना हो किसी ढाबे पे दो बच्चे चाय पीने या खाना खाने जो भी करना है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जसपुर थाने में दो सिपाही एक अमित है योगेंद्र या नागेंद्र क्या है मुझे नहीं मालूम, ये लोग वहाँ पहुँच गया था। इन्होंने उसके साथ पिटाई की लड़के के साथ, उसे किसी थाने लेके गई है एक व्यक्ति और एक उनमें से किसी व्यक्ति ने जो अमित नाम का और लड़की के साथ बदतमीजी की जो मुझे अभी पता चला, लेकिन मैं जसपुर थाने से पता कर रहा हूँ तो जानकारी नहीं, कुंडा थाने से पता कर रहा हूँ तो जानकारी नहीं, ये मुझे पता है मेरी विधानसभा का है, लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है क्योंकि मैंने सीओ साहब से बात की, एडीसी साहब से भी की, आईजी साहब से भी, एडीसी साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि एक के नाम FIR दर्ज हुई है, उन्होंने बताया क्या से दर्ज हुई जो उनके द्वारा कहा और उसके खिलाफ कर रहे हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जो पुलिस वाले उस बात को दबाना चाहते थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने बेरोजगारों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है जिसमें कोरोना के चलते आयु सीमा में 1 साल की छूट दे दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव सामने आए हैं जिसमें से 8 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगी और इन प्रस्तावों में कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर भी सहमति बनी है। तो अपनी जमीन को वापस लेगा रेशम विभाग, इस तरह की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। दरअसल कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है, बेरोजगारों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया ताकि सभी का जो जीवन है वो सुगम हो जाए, क्योंकि कोरोना काल की वजह से ही वैसे ही रोजगार पर काफी ज्यादा मार पड़ी है। ऐसे में धीरे धीरे रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो छोटे व्यापारी हैं, जो लघु उद्योग चलाते हैं उनको काफी ज्यादा मदद दी जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट के साथ मीटिंग की है और मीटिंग के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो
रोजगार को लेकर था, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थी कोविड पीरियड के बाद, तमाम जो व्यापारी थे, जो लघु उद्योग चलाते हैं, जो पर्यटक स्थल पर अपनी दुकानें बनाए हुए हैं, वहां पर उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे। तो ऐसे में अब फैसला लिया गया है कि बेरोजगारों को लेकर नई स्कीम लाई जाएगी ताकि उस पर वो काम कर सके और रोजगार को बढ़ावा मिल सके। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग से संबंधित 2 प्रश्नों को डिफर किया गया। शेष 1 प्रकरण पर मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया और 8 प्रकरणों पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, जिसमें पहला जो कैंपा अधिसूचना के अंतर्गत प्राधिकरण के वार्षिक लेखा 13-14, 14-15, 15-16 को और 2016-17 को विधानमंडल के पटल पर रखने की मंत्रिमंडल ने अपनी अनुमोदन देने का काम किया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में ताहिए, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। इतना रोजगार नहीं है और रोजगार नहीं है तो बच्चों को कैसे पालेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है